रात के 1 बजे मैं, अनंत भाई और बेलचंद भैया जा रहे हैं रेस्क्यू के लिए। मेन सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल था, एक तो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है और दूसरी बात यह है कि घर पे उनके कोई नहीं है, जिनके यहाँ पे स्नेक है, हमारा छोटा सा मेहमान है और वो अकेली है। उसके घर वाले सब ट्रीटमेंट के लिए विशाखापट्टनम गए हुए, तो हम तीनों, मैं, बेलचंद भैया, हम सब यहाँ से जा रहे हैं उनको रेस्क्यू करवाने के लिए। रास्ता उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी ठीक है, रात का समय है, हमको भी अपना थोड़ा सा टेंशन है। जा रहे हैं, बेलचंद, आनंद भाई का कॉल आया था मुझे, बस हम निकल रहे हैं, हमारे घर पहुँचने वाले हैं। अच्छा, ये वहाँ के सरपंच है, ये गाँव का नाम कौन सा है? कटेनार की महिला है जिनका कॉल आया था आनंद भाई, बस पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आपके दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है, सरप्रीत से हम तीनों आए हैं, अनंत बोयर, सूरज कुमार और बेलचंद मान। कटेनार के अंदर सरपंच के यहाँ पे नाग साहब घुस गया था, तो रात को रेस्क्यू का कॉल आया, रात के 12:30 बजे कॉल आया, तो क्योंकि बहुत इंटीरियर एरिया है तो 112 के यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल था, तो हमने डिसाइड किया क्योंकि यहाँ तक कोई आना, यहाँ से रेस्क्यू करना दिक्कत था। घर वाले आप आएंगे क्या 2 मिनट पहले? आप आइए, ये घर के लोग हैं जो डरे हुए थे और रात के 1 बजे अब इस समय इन लोग बाहर थे, घर के बाहर थे। हमने इनको फ़ोन करके बोला कि सांप को मारे ना, और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर सांप है करके? मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जागरूक है, हालांकि गांव में रहते हैं उसके बाद भी बहुत ही जागरूक है सांप को मारे बगैर इनको बचाने के लिए। हालांकि ये अगर थोड़ा सा समय और मिस करते, इनके कहने के हिसाब से इनको शरदंश होना पक्का था, ये इनके बेड के करीब थे। तो आप वो जो जगह देखें, इस एरिया में सांप है एक्चुअली, इस आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, आपके घर में सांप क्यों आता है? सबसे मेन रीज़न है कि ऐसे इलाकों में चूहे होते हैं और चूहों को खाने के लिए सांप आते हैं, है ना? तो आप अपने घर पे सफाई बनाए रखें। देखिए, यहाँ पे ऐसे इलाके हैं जहाँ सांप घुस के आराम से रह सकते हैं, है ना? देखिए, मटके हैं और ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ होना है कि यहाँ से आया है सांप, ये बाहर का है ना, ये बाहर का रास्ता है, और यहाँ हो सकता है चूहा खाने के लिए आया हो और आने के बाद बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला होगा वापस, तो ये इनके बेड के पास गया। तो क्योंकि नाग सांप आसानी से काटते नहीं, तो ये अपना बचाव करने के लिए एक कोने को पकड़ लिए, अब इसको हम रेस्क्यू करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसको साफ करते हैं जगह को। लाइट देंगे तो एक मिनट। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं सांप यहाँ आराम कर रहा है, शायद इतने कुछ खाया हुआ है। जैसा कि सूरज भैया ने बताया कि यह एक स्पेक्टिकल कोबरा है, नाग सांप है, तो यहाँ पर यह आराम कर रहा है, तो चलिए इसे अब यहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू करते हैं, आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाएं, साइड हो जाए, है ना? उस छोटा सांप है, वयस्क नहीं है, तो देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। एक ही साथ होता
देखिए बहुत इजीली से हमारा सांप अंदर जा चुका है। देखिए बिल्कुल हमने जीरो इसके नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम लोग है, चाहे कितना भी दूर हो आप लोगों की सहायता के लिए हम लोग यहाँ पे। दादा आप भी यहाँ पे थे, आपको मालूम था यहाँ पे सांप कौन सा है क्या है करके? आपने अंदर गया देखा सांप कौन सा है करके? नहीं देखा या नहीं देखा? देख लिया था, नहीं देखी था ना। बहुत अच्छा किया, बहुत अल्लाह कभी भी सांप रहता है ना उस कमरे को छोड़ करके आप लोग बाहर रहिए। बाहर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आपके उस इलाके में रहते वो भी डरा रहता है, आप भी डरे रहते हैं, स्नेक काटने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, धन्यवाद भाई। ठीक है, तो हमारी रेस्क्यू सक्सेसफुल रही। मैं बेलचंद भाई और अनंत भाई है ना, बेलचंद भाई और अनंत भाई से दोनों साथ में आए हमारे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये आए हमको हेल्प किए, और सबसे खास सबसे ज्यादा अभी भी मैं इनका ही शुक्रिया अदा करना था। जयदेव भाई आपकी एज कितनी, उम्र कितनी है? सब 16 साल का अगर बच्चा एक अपना ऐसा पहल डाल सकता है, तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे आसपास के इलाकों के सारे लोग ऐसे ही जागरूक रहे और अपने सतर्क रहे अपने जगहों पे। और एक बेजुबान की जीवन को रक्षा करने का जो पहला पहल इन्होंने आगे बढ़ाया, मैं चाहता हूँ कि सब आप लोग जितने लोग ये देख रहे हैं सब इस चीज को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। ठीक हाँ, जाने दो। देखो गाड़ी में ना चला जाए, नहीं इधर ही जाने दो। अरे हाँ चले जा, हाँ सेफली चले जा, इधर आ रहा है। ठीक।